उज्जैन के पिपली नाका क्षेत्र में रहने वाले फॉरेस्ट गार्ड का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें वन विभाग सहित स्थानीय जन मौजूद रहे। उज्जैन के पिपली नाका क्षेत्र में निवास करने वाले फॉरेस्ट गार्ड मदनलाल वर्मा, जो देवास जिले में पदस्थ थे इस समय और वन विभाग के शासकीय विभाग में वन रक्षक के रूप में तैनात थे, रतनपुर क्षेत्र के जंगल में ड्यूटी निभा रहे थे। उसी दौरान तस्करी करने वाले लोगों ने ड्यूटी संभाल रहे फॉरेस्ट गार्ड को गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप फॉरेस्ट गार्ड मदनलाल की मौत हो गई और शव जंगल से पुलिस ने जब्त किया। जांच में पाया गया कि मृतक के शरीर पर गोली के निशान हैं। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के चक्र तीर्थ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।